नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में शुक्रवार को भूकंप ने कई राज्यों के लोगों में दहशत पैदा कर दी। रात 10:31 प्राय भूकंप से दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत थर्रा गया। लोगों में दहशत पैदा हो गई। भूकंप का असर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी देखा गया। भूकंप के झटकों के बाद दिल्ली में लोग घरों से बाहर निकल आए। जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान था, जहां रेक्टल स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद पंजाब में दोबारा भूकंप आने की खबरों से डर का माहौल बन गया। न्यूज एजेंसी ANI की ओर से बताया गया कि रात 10:34 पर दूसरी बार धरती हिली, तो इसका केंद्र पंजाब के अमृतसर में था, लेकिन मौसम विभाग ने अमृतसर में भूकंप का केंद्र होने से इनकार किया है। अमृतसर में रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 दर्ज की गई है। हिमाचल के चंबा, डलहौजी, अन्य इलाकों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड में भी रुद्रप्रयाग के साथ साथ चमोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत के कई शहरों के अलावा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप इतना तेज था कि सर्द रात में सोने की तैयारी कर रहे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वहीं सड़कों पर वाहन चला रहे लोग भी रुक गए। जानकारों का कहना है कि भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी, लेकिन भूकंप के केंद्र से पता चलता है कि किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है, जो राहत की बात है। बड़े भूकंप के बाद ऑप्टर शॉक की स्थिति रहती है, लेकिन उसकी तीव्रता कम होती है। भूकंप आने के तुरंत बाद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड करने लगा। लोग अपने अपने अनुभव साझा करने लगे। कई यूजर्स ने भूकंप के दौरान के वीडियो भी ट्विटर पर साझा किए हैं। कुछ जगहों से दीवारों में दरारों होने की तस्वीरें सामने आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अभी तक अमृतसर या पंजाब के अन्य हिस्सों से नुकसान की कोई खबर नहीं है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन स्थिति पर करीब से निगाह बनाए हुए हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने लोगों की सलामती की कामना की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।